हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ जीके क्वेश्चंस। सो ये सीरीज आप लोग काफी पसंद कर रहे हो और यू नो बेनिफिशियल भी है कि 10 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आप सीख रहे हो। तो पिछले कुछ वीडियोस से हमने क्या किया है कि हमने एक्सप्लेनेशन भी इन्वॉल्व किया। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम साथ ही साथ उसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, तो वो एक्सप्लेनेशन हमने इन्वॉल्व कर लिया है पिछले कुछ कुछ वीडियोस से। ठीक है, स्टार्टिंग के वीडियोस अगर आप देखोगे तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर है, जो कि आपका एक क्विज टाइप का होता था, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर एक्सप्लेनेशंस और फोटोज इन्वॉल्व की गई हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और अगर इस तरीके की सीरीज, इस तरीके की वीडियोस चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आए तो। पहला क्वेश्चन है, मार्टिन क्रोवे वॉज अ क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री। ठीक है, मार्टिन क्रो किस देश के क्रिकेटर थे? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। एंड आपका टाइमर शुरू होता है अब। एंड आपका आंसर है न्यूजीलैंड। मार्टिन डेविड क्रो इनका पूरा नाम है, आप फोटो देख सकते हो। ये एक फॉर्मर न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रह चुके हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर इनको माना जाता था, न्यूजीलैंड की टेस्ट एंड ओडीआई टीम का कैप्टन भी रह चुके हैं और कमेंटेटर भी रह चुके हैं। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं गौतम गंभीर को, गौतम गंभीर इंडिया के क्रिकेटर रह चुके हैं और अभी कमेंट्री भी कर रहे हैं, राइट। सो ही प्लेड फॉर द न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम बिटवीन 82 से 95। ठीक है, तो काफी पुरानी जनरेशन, मतलब काफी पुरानी जनरेशन क्रिकेट की, 90s के टाइम उन्होंने खेला था। ठीक है, ग्रेटेस्ट बैट्समैन का इनको न्यूजीलैंड की तरफ से ऑनर दिया जा चुका है, मतलब कहलाते हैं वहां के ग्रेटेस्ट बैट्समैन, जैसे यहाँ MS धोनी कहलाए जाते हैं, कपिल देव कहलाए जाते हैं, सेम सेम वे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक अनटचेबल। अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस हैं प्रेमचंद, सरोजनी नायडू, के नटवर सिंह या मुल्क राज आनंद। एंड आपका टाइमर शुरू होता है अब। ओके, सो आंसर है मुल्क राज आनंद। ठीक है, ये बुक बेसिकली 1935 में लिखी गई थी, आप देख सकते हो उसका कवर पेज। ठीक है, 1935 में अनटचेबल, नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है उसमें मतलब उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। द नोवेल स्टैब्लिश्ड आनंद एज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग इंग्लिश ऑथर्स। ठीक है, आनंद को, मुल्क राज आनंद को इंडिया के उस टाइम का हिट बना दिया था इस नॉवल ने, इंग्लिश ऑथर्स में, मतलब इंग्लिश बुक लिखने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज वॉन मैक्सिमम फिल्म फेयर अवार्ड्स एज अ म्यूजिक डायरेक्टर? एक संगीत निर्देशक के रूप में सर्वाधिक, मतलब ज्यादा से ज्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार किसने जीते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, AR रहमान, अनु मलिक या जतिन ललित। एंड आपका टाइमर शुरू होता है अब। ओके, सो जतिन ललित जो है भाई की जोड़ी है म्यूजिक डायरेक्टर्स की। एंड आपका आंसर है AR रहमान। सो AR रहमान दी मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर। AR रहमान को आई गेस बच्चे बच्चे जानते हैं, बहुत ही शांत, डिसेंट और काम मिजाज के ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं। ठीक है, 10 बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स फिल्म फेयर अवार्ड्स, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत पॉपुलर, 10 10 फिल्म फेयर अवार्ड्स इनको अब तक मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। आजादी राचा इंडिका इज द बोटैनिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आजादी राचा इंडिका निम्नलिखित में से किसका वानस्पतिक नाम है? आपके ऑप्शन है रोज प्लांट, एप्पल ट्री, नीम या मैंगो। आपका टाइमर शुरू होता है अब। जितने भी बोटैनिकल नेम्स हैं कई बार SSC में और बैंकिंग में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको फायदा ही करेगा। एंड आपका आंसर है नीम। ठीक है, आप फोटो देख रहे हो, नीम की ट्री आपने देखी होगी, जो कड़वा नीम होता है बेसिकली, नॉट द वन जो मीठा नीम होता है, जो कड़वा वाला नीम होता है, जो बहुत सारे मेडिकल उसमें यूज किया जाता है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसको बोला जाता है आजादी राजता इंडिका, मतलब बोटैनिकल नेम है। हर प्लांट का एक, हर प्लांट का, फ्लावर का, फ्रूट का एक बोटैनिकल नेम होता है, मतलब बायोलॉजिकल नेम होता है, वो है नीम का ये। सो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम है. और आपके ऑप्शंस हैं टिटनेनियम, टंगस्टन, आर्गन या निकल. इनमें से मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसका है. आपका आपका टाइमर शुरू होता है अब. चलिए बताइए, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है एंड आपका आंसर है आर्गन. आर्गन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 189.34 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो आपको ये मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह, हीटिंग पॉइंट वगैरह, ये सब बेसिकली 11th 12th में ही पढ़ाया जाता है जब आप मतलब साइंस ऑप्ट करते हो. लेकिन 11th 12th की बहुत सी चीजें आफ्टर ग्रेजुएशन हम भूल गए रहते हैं. अगर जो बच्चे एसएससी के लिए ग्रेजुएशन के बाद प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए कर रहे हैं, दिमाग से उतर जाते हैं, है ना. जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, नॉर्मल सा टॉपिक है, 5th 6th में आपने पढ़ लिया होगा, बट एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है वो दिमाग से उतर जाता है, उसकी एकदम एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं याद रहती हैं. उसलिए एसएससी और यूपीएससी के लिए सबसे बेनिफिशियल चीज मैं बता रही हूँ, एनसीईआरटी. एनसीईआरटी कवर करो. एनसीईआरटी जैसे जैसे कवर करते जाओगे आपको हेल्प होती जाएगी. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते जाएंगे. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. बाजीराव 1, ठीक है, 1720 1740 AD वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी. किस वंश के शासक थे ये, नंदा, पेशवा, हरियंका या मौर्या. आपका टाइमर शुरू होता है अब. कमान, अब ये तो आप बता ही सकते हो, कोई भी बिना जाने बता सकता है ये आंसर. आपका आंसर है पेशवा. ठीक है, तो अभी आपने बाजीराव मस्तानी देखी होगी तो उसमें आया होगा ना सबसे पहले पेशवा बाजीराव. ठीक है, बार बार रणवीर सिंह ने बोला है पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव, उनको पेशवा बुलाया जाता था बेसिकली, राइट. तो ये तो आप आंख बंद करके बता सकते हो कि वो पेशवाओं के बेसिकली वंश से थे, मराठा एम्पायर उन्होंने के जनरल थे, है ना. तो पेशवा का क्या मतलब होता था मराठास में, पेशवा का मतलब होता था प्राइम मिनिस्टर, मतलब उस टाइम का प्रधानमंत्री, हेड. ठीक है, तो बेसिकली 5th मराठा छत्रपति थे ये, शाहू इनके बाद आए हैं. ठीक है, शाहू के बाद. चलिए आगे बढ़ते हैं. इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी इज कॉल्ड डैश, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए या मापने के लिए जो यंत्र यूज होता है उसको क्या बोलते हैं. ल्यूसी मीटर, काइरोमीटर, साइनोमीटर या बैरोमीटर. आपके ऑप्शन शुरू होते हैं अब. चलिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स याद कर लीजिएगा, एक ना एक इंस्ट्रूमेंट पूछा जाता है. एंड आपका आंसर है ल्यूसी मीटर. ठीक है, ल्यूसी मीटर यूज होता है लाइट की इंटेंसिटी देखने के लिए. ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी नापने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू ग्रेविटी व्हाट इज जी कॉल्ड. ठीक है, अगर गुरुत्वाकर्षण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ग्रेविटी व्हाट इज जी कॉल्ड. जी का क्या मतलब है ग्रेविटी में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एंड आपका टाइमर शुरू होता है अब. ए बी सी या डी. ओके, एंड द आंसर इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये जो ग्रेविटी में जी का सिंबल है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए यूज होता है. ठीक है, ये एक फिजिकल कांस्टेंट है जो कि अपियर होता है इक्वेशन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. 2016 में यूईएफए फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती थी, पोर्तुगल, यूएसए, जर्मनी या ब्राजील. आपके ऑप्शन, टाइमर शुरू होता है अब. बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेवरेट फुटबॉलर्स हैं उस टीम में. एंड द आंसर इज पोर्तुगल, एंड द फेवरेट फुटबॉलर्स इज दिस. ठीक है, सो 2016 की चैंपियनशिप थी और पोर्तुगल ने जीती थी. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ओथ ऑफ द वायु पुत्रास, शिव ट्रायोलॉजी. ठीक है, द ओथ ऑफ द वायु पुत्र के लेखक कौन है, अमीश त्रिपाठी, चित्र बनर्जी, देवकरुणी, रस्किन बॉन्ड या फिर अश्विन संघी. आपका टाइमर शुरू होता है अब.
बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। द करेक्ट आंसर इज अमीश त्रिपाठी। या बुक का कवर पेज देख सकते हो, द ओथ ऑफ द वायुपुत्र। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ और पढ़ा क्या? या नहीं, वायुपुत्र ही है। करेक्ट, द ओथ ऑफ द वायुपुत्र। इसमें इनके जो कवर पेज है उसी में बड़ा बड़ा ऑथर का नाम लिखा हुआ है, अमीश। तो अगर आपने कवर पेज भी देखी होगी एटलीस्ट बुक की, तो आप ये गेस कर सकते हो कि अमीश त्रिपाठी जो है इंडिया के बहुत ही लीडिंग ऑथर्स में से एक हैं, और यही इसके भी ऑथर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो वी आर डन विद द 10 क्वेश्चन ऑफ टुडे, एंड आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और ये हमारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं जहां पर आप बाकी के भी कंटेंट्स के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो ये आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइज, एंड टेक केयर, बाय बाय।